गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं टेक्निकल लाउंडा और एक बार वही पावरफुल अंदाज में हम लोग मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं आज क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो, बहुत से सीपीयू या लैपटॉप में ये प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम आएगा जब आपका विंडोज 7 डला रहेगा तब, ठीक है। विंडोज बूट मैनेजर लिखा रहेगा स्क्रीन में, ऐसा कुछ कुछ लिखा रहेगा, और यहाँ पे इंटर कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ पे एस्केप दबाएंगे तो एग्जिट रहेगा। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है आपका, ये काहे का रहता है, ये विंडोज सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। या तो आपका विंडो करप्ट हो गया रहेगा, जो विंडोज 7 है उसका फाइल वाइल वायरस की वजह से उड़ गया होगा, या हार्ड डिस्क ख़राब हो गया होगा, जैसे भी होगा, विंडोज़ आपका इसमें ओपन नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार विंडोज़ डाल के देखेंगे, फॉर्मेटिंग जो बोलते हैं ना, विंडोज़ फॉर्मेट, तो एक बार अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को फॉर्मेट करा के देखेंगे। विंडोज़ डलवा के अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपका क्या है, हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है विंडोज़ बूट मैनेजर वाला, तो ये सब प्रॉब्लम देख लो क्या कैसा है, और तो देखते हैं इंटर दबा के एक बार कंटिन्यू होता है कि नहीं, विंडोज़ वेलकम होता है कि नहीं। तो इंटर में दबाया यहाँ कीबोर्ड में, देखते हैं कि विंडो हमारा खुल रहा है या नहीं। कंसिस्टेंट, नहीं खुला, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, कंटिन्यू करने के बाद भी, यहाँ पे इंटर दबाने के बाद भी आपका विंडोज़ वेलकम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका विंडोज़ उड़ गया होगा, या तो आपका हार्ड डिस्क ख़राब हो गया होगा। देखिए, सॉफ्टवेयर से जो भी प्रॉब्लम ऐसे रिलेटेड आता है, रिलेटेड सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम, तो आपका एक तो विंडो से हो सकता है प्रॉब्लम, विंडो चेंज करने के बाद ठीक हो जाएगा, या तो फिर आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क में ही सॉफ्टवेयर डलता है ना, विंडोज़ जो रहता है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आपका हार्ड डिस्क में ही डलता है, ठीक है। तो एक बार देखेंगे विंडोज 7 या विंडो 10, 11, जो भी आप लोग डाल सकते हैं सिस्टम में, वो डालेंगे, फॉर्मेट करेंगे, उससे चल जाएगा तो ठीक है, ठीक है, नहीं तो फिर आपका हार्ड डिस्क चेंज कराना होगा। या कभी कभी ऐसा भी दिक्कत होता है कि आप लोग 2-3 हार्ड डिस्क लगा के यूज़ कर रहे हो, तो जो एक हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम रहता है वो क्या करता है, विंडो को खुलने के लिए दिक्कत करता है, लोड नहीं ले पाता है विंडोज़ को, ठीक है, जो हार्ड डिस्क में आपका विंडो डाला रहता है उसको। तो डबल हार्ड डिस्क लगा होगा तो आप लोग ये एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जिसमें विंडोज़ डाला हुआ है वो वाले हार्ड डिस्क को आप लोग सिंगल यूज़ करके देखो एक बार, ठीक है। क्या है, 2 हार्ड डिस्क लगने से भी ये प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और ध्यान रखियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।